किसी ने कहा वड्डा बंदा वो हुंदा जिहड़ा उम्र च वड्डा हुंदा, किसी ने कहा नहीं यार वड्डा बंदा वो हुंदा जिहदे कोल पैसे बहुते हुंदे, उन्हें कहा नहीं यार वड्डा बंदा वो हुंदा जिहदे कोल बह के दूजे बंदे नूं अपने छोटे होण दा एहसास नहीं हुंदा। ते अल्लाह दे फज़लो करम नाल तुसी तमाम लोग ही वड्डे हो क्योंकि थोड़े नाल सारे बैठे हुए किसी भी किस्म का हर बंदा अपने आप नूं काबले एहतराम समझ रहा और तुसी तमाम काबले एहतराम। अच्छा और तमाम साथियों का असी दिल दी अथाह गहराइयों तो इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। इन्हों मेहमान भी नहीं किया जा सकता जेडे बंदे आए कि मेहमान हैं, चूंकि पंजाबी रवायत है जो मेहमान आता फिर फ्रूट या कोई मठियाई शठाई लैके आता, तो मैं वेख्या उनके हाथ कोई शायद नहीं तो मेहमान नहीं है साढ़े ही। इस वास्ते रिस्पैक्ट भी करो, रिस्पैक्ट के साथ प्यार करो, जिन्हें प्यार किया जाता ना वो रिस्पैक्ट करनी आसान हो जाती है, वो फिर किसी किस्म की भेदभाव नहीं रह जाती, बंदा आसानी के नो गलबात कर लगा। दूजी गल है हम थो सारे पता होना जो इकट्ठे हुए हैं, मेरे ख्याल पी टी आई के इलैक्शन के सिलसिले इकट्ठे हुए। वैसे एक चीज़ सोचने वाली है, एक सवाल भी जेन चाहता है, एक पी टी आई का इंटर पार्टी इलैक्शन हो क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इस जंग असं पी टी आई कमज़ोर करना चाहते हैं? बेसिकली इंटर पार्टी इलैक्शन पी टी आई मजबूत करने वास्ते और सानू हर बंदे प्रेजेंट करना है। इस्लाम के बड़ी खूबसूरत गल है कि तुसीं किसी भी मसले नाल इख्तलाफ कर सकते हो, इख्तलाफ जंग नहीं, फिरका प्रस्ती की जायज नहीं, इख्तलाफ करना जायज़ है। तुसीं इख्तलाफ करोगे तां तुसीं सच्चाई दे उत्ते पहुँच सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया जे तुसीं मेरे वास्ते झुक जाओगे यार मैं थानू इस तो बहुत ज़्यादा देने की गरंटी दे। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, अल्फाज का कोई हेर फेर हो सकता। और ये जिहड़ी इंटर पार्टी इलैक्शन मेरे ज़हन च होर आंदा है कि सानू जमहूरीयत सिखाने वास्ते बेसिकली इंटर पार्टी इलैक्शन का इनकार किया जा रहा है, साडे जमहूरी रवैये बन जाए, सानू एक दूजे नूं बर्दाश्त करना आ जाए। और मेरा ख्याल और दूजा मैं बड़ा मजे की गल है कि असीं पहले सारे दूजे पार्टियां नूं वोट देंदे थे, पी टी आई ने वाहिद आने की मेरे ज़हन च एक जिहड़ी सोच आती वो ये है कि यार असीं मजेरे बन के नहीं रहना, पी टी आई या इमरान खान का असीं साथ, इस शायद मैं कोई गल गलत भी कह रहा या थोड़ी लगती तो मदद कर, तो पी टी आई साथ देने की वाहिद वजह यह है कि असं यार पाकिस्तान का अच्छा चाह रहे, खान अच्छा करेगा असं खान के नाल, खान हूँ जो वो दूजे पार्टी आर को गबन करे या परफॉर्म ना करे इख्तलाफ करना सब हक है, क्योंकि साड़ी बेसिक रीजन खान नाल जुड़न दी ये है कि असं चाह रहे मुल्क का अच्छा हो। किसी सोच दे खाओ क्योंकि जो फिक्रमंद हो फिर खाना खाइए तो मेरा खराब हो। तो हूँ मेरी गुजारिश होगी, मैंने तो इन सारिया गल् आदि सन, आजाद भिंडर साहब उर्दू भी बोल रहे हैं, तो मेरी हम आजाद भिंडर साहब को गल है गुजारिश है तुम भी आके सुनो उर्दू की गल कर। सबसे पहले मैं ये पजामा के सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ मोहब्बत का इतना इजहार किया, और मेरा हक भी था पजामे पे, मैं इधर पे रहने वाला, मेरा पहला घर तो यामा है, मेरा भी बड़ा हक है अल्हम्दुलिल्लाह पजामा वालों का ना, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा अल्लाह के फजल से कि जिस मनसब के लिए मुझे चूज़ किया है पार्टी ने मैं उस पर पहरा दे सकूँ। बातें तो बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, करने वाली बात यह है कि जैसे भाईजान बता रहे थे हमने पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना है, इससे पहले भी इलेक्शन हो रहे हैं, इंट्रा पार्टी के इलेक्शन काफ़ी हुए हैं, ये इस दफ़ा क्यों इतनी गहमागहमी हो गई है, कौन सा कोई अजूबा आ गया, इससे पहले दो तीन चार साल इलेक्शन होते रहे, इस दफ़ा क्या हुआ है? सारे जापान में पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है जी, जापान में इलेक्शन हो रहा है, जापान में इलेक्शन हो रहा है, इंट्रा पार्टी पीटीए क्यों जी? कुछ कोई ना कोई तो रीज़न होगी ना। जस्ट मैंने जो मीटिंग हुई वन साइडेड टोक्यो में, सामबड़ी ने की, किसी ने एक्स वाई जेड किसी ने भी की,
मैंने सिर्फ जस्ट उन पे इख्तलाफात किया कि थोड़ा सा इख्तलाफ ये किया कि प्लीज़ काइंडली यार आप किसी से मशवरा कर देते यार, तो यामा एक माशाल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इनसे मशवरा करते, नवोया से करते, मिये से करते, ये मैं कन्नों का नाम ले रहा हूँ, आई चिकन हमारा नवोया को आई चिकन बोलते हैं, ठीक है जी, टोक्यो में दीगर लोग माशाल्लाह इतने मोजज लोग रहते हैं यार, किसी से मशवरा कर लेते। आप लोगों ने किसी से मशवरा करने की जहमत ही नहीं की, क्यों? मुझे किसी दोस्त ने बोला कि यार आपको क्यों परेशानी हुई इस बात की, मैंने कहा यार साहब ये जमहूरियत है, हमारा हक है, तो प्लीज कहेंगे आप किसी के साथ गुफ्तगू करने की जहमत तो करते, शायद कोई इससे बेहतर लोग आपके सामने आने की कोशिश करते। माशाल्लाह सारे पीटीए के जैने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा अपने मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहता है कि बेहतर काम हो। हमारे कायद का एक ही विजन है, इमरान खान साहब का एक ही नारा लेके आए ना कि मैंने करप्शन नहीं करनी और करप्शन वालों को नहीं छोड़ना, ठीक है जी। अगर अगेन मैं खुद बजाते खुद इजाज अहमद भिंडर करप्ट आदमी हूं और आपने दोबारा मुझे ही चूज कर दिया है, तो फिर यार सॉरी, हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का हक बनता है कि कम से कम, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, पूरे जापान में जिधर भी ये लोग मीडिया के थ्रू बात सुनेंगे, पूरी दुनिया में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा इधर भी, जापान में भी, अभी जर्मनी में इलेक्शन हुआ है, यस्टरडे नाइट खत्म हुआ है यही इंट्रा पार्टी का इलेक्शन, ठीक है जी, और पाकिस्तान में भी कहीं भी इलेक्शन हो, आप हमेशा कोशिश करें कि राइट मैन को चूज करें। कम से कम बंदा यार करप्ट नहीं होना चाहिए। मैं को हाजी सनावला नहीं हूं, मेरे में हजार सर खामियां होंगी, मैं हजार खामियों का मालिक हूं, लेकिन कोशिश ये करना, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उस बंदे को वोट देने की कोशिश करना जो आपको राइट लगे, जो सही लगे। अगर दोबारा उसी बंदे को आपने चूज कर दिया जो पहले ही करप्शन कर रहा है, जो पहले ही पार्टी को बर्बाद कर रहा है, पहले ही पार्टी का नाम उसने जीरो कर दिया है, अगर आपने दोबारा उसी बंदे को साझी वोट दे दिए, तो फिर क्या होगा? हमारा भी हशर ऐसे ही होगा, कोई हम जीरो ही बनेंगे। हमने तो पाकिस्तान की ये जितना हम देखें, आप सब लोगों को तकलीफ दी है, ये बिजनेसमैन है सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कम्युनिटी हमारी, इतना वक्त डाला हुआ है हमने जापान पूरे में, सारे लोग बिजी हैं, सबको तकलीफ दी है, सिर्फ एक नाम ने, एक नाम ने जब उस बंदे ने बोला जी किसी से मशवरा कर लेना था, उन्होंने बोला कि हु आर यू, तुम कौन हो भाई ये बात पूछने वाले आप? यार ये जमहूरियत है सर जी, ये जितने आप अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त बैठे हुए हैं, आपसे कोई बंदा भी खड़ा होगा मेरी बात पे इख्तलाफ करके कहता है कि इजाज साहब मैं भी इलेक्शन लड़ने का हक रखता हूं, तो सर जी मुझे ये आर्डर तो नहीं करना चाहिए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या राइट है भाई? सर तुम कल जापान में आए हो, आपको क्या पता पीटीए क्या होती है? यार ये तो बिल्कुल चीटिंग है ना। इमरान खान कहता है कि मैं जो मिडिल मैन के लोग हैं, छोटे लोग हैं, मैं छोटे तबके को ऊपर दे के आना, ये नहीं कि जो पैसे वाली पार्टी है, बड़े बड़े लोग हैं, वही इकदार में रहेंगे, वही कब्जा करके पार्टी को बैठे रहेंगे हैंग करके, ये इमरान खान का विजन नहीं है सर। इमरान खान कहता है कि एक जेंटलमैन आदमी, ऑनेस्ट आदमी कोई भी हो, उसको आगे आने चाहिए लीडरशिप के लिए, करप्ट आदमी को नहीं आना चाहिए, चाहे जितना मर्जी वो रिच हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं वो गुनहगार आदमी हूं जिसने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज किसी से मशवरा कर दें, और फिर जब मैंने अपने दोस्तों अहबाब आप लोगों से मशवरा किया कि यार किसी बंदे का नाम दें, मेरे दोस्तों ने कहा जी यार अगर आप इतनी तकलीफ कर रहे हैं आपका ही नाम हम आगे भेजते हैं, तो आप लोगों की मेहरबानी से मेरा नाम जब आगे आया तो मेरे पे तरह तरह के प्रेशर, तरह तरह के एलिगेशन, काफी ऐसी बातें हैं कि जो मैं सेंसर करूंगा, मैं नहीं कह सकता। मैंने ये कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, पूरे जापान में ऐसे आग लग गई जंगल की तरह को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हुआ हूं कि मेरी वजह से जब मेरा नाम आया, ये को मैं को अपने मियां मिठू नहीं बनना चाहते अपने मुंह से, अल्लाह के फजल से आप लोगों की शफकत और मोहब्बत से, आप लोगों की दोस्ती की वजह से जापान में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का एक ऐसे शेरों की तरह आप उभरे, सारे लोगों ने गम गमी बन गई, पूरे जापान में, पूरी दुनिया में एक आवाज आ गई कि जापान में कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। अपनी ईमानदारी से बताए, इतने सीनियर लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, कभी आज तक ऐसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखा है आपने? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये आपके भाई ने ये थोड़ी सी जो है ना तकलीफ आप लोगों को दी है, और दूसरे जो चौधरी बने हुए थे, मैं उनको कोई गलत लफ्ज नहीं बोलता चाहता, क्योंकि वो भी हमारी पार्टी का हिस्सा है, और उन्होंने कब्जा किया हुआ था पार्टी के ऊपर, वो कहते थे जैसे हम करें वैसी हो, लेकिन मैंने उनकी बात से सिर्फ इख्तलाफ किया है, तो ये गहमा गहमी बन गई है। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है
आप कोशिश करें मेरे पे अतबार कर दें कि अतबार करके मुझे वोट दें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से किसी मौके में किसी जगह पे। पहले भी अल्लाह का एहसान है, मैं पहले वैसे ही बड़ा सोशल वर्कर हूँ, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जगह पे किसी पॉइंट पे अल्लाह के फजल के फजल से आपके भाई को वोट देने के बाद आपको कहीं मायूस नहीं करना इंशाल्लाह। एक्चुअली पैनल का वो पहली बात के पैनल का एग्जैक्टली नाम उस वक्त हम करेंगे जब हम अपने डॉक्यूमेंट जो है ना इलेक्शन कमीशनर को जमा कराएं। आपको तकलीफ दे रही थी और बहुत शुक्रिया स्पेशली जाहद भाई ने मधु किया खाने पे सब लोगों को, अरशद अवान साहब, जाहद भाई, नवाब भाई और जनाब अली राजा अबू बकर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चौधरी खतीब साहब, मजहर बडैस साहब, मैं, हाजी साहब, चीमा साहब, मैं फर्दन फर्दन अगर किसी का नाम ना दूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं आप। और उसके बाद मेरे बड़े प्यारे यार जिन्होंने मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इग्नोर की, जनाब अली अजहर भट्ट साहब, इनकी मेहरबानी, इन्होंने मेरे लिए इतना मोहब्बत का इजहार किया कि हर तरह माशाल्लाह मेरे साथ खड़े हैं, और आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इंशाल्लाह मेरे पे एतबार करना इंशाल्लाह आपका भाई कहीं आपको मायूस नहीं करे। पाकिस्तान पीटीआई बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पीटीआई इस वेले बरसरे इक्तदार पाकिस्तान की जी गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब चला रहे। अच्छा हम पीटीआई का अगर कोई साढ़े पिंड साहब भी अल्लाह करते जित जान इंशाल्लाह जितेंगे जित जान तो साढ़े इमीग्रेशन के इतने मसले साढ़े हल को नहीं खराब सानू गड्डिया भी लबा दबा के दे सकते कई दफा अक्शन गड्डी नगारे हो जाती तो पता कोशिश करे कि सानू नगारे का इनाम पवे वह भी ये नहीं करा सकते और तमाम मेरा चेयरमैन की तरफ से करते हैं जो सेवा में आए हैं पार्टी इलेक्शनों में जा रहे हैं जो तीन कैंडिडेट कर रहे हैं इसको भी लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जिसको सपोर्ट करें वो जीते, जो जिसको सपोर्टर की कोशिश होगी वो जीते, जो भी जीते जीत इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी और जीते ब्रांड फॉर की जीत होगी। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, खाना आ चुके हैं आप लोग खाना खाएँ और इंशाल्लाह एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी के नाम से मजा है जरा जी मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, सबको आएगा। शौकीन है मेरा कार है तुसी साडे नाल मेरे फैमिली ड्रम में गल कर।